So guys, schools finally खुल चुके हैं and it's time to score some good grades and get some numbers. Guys, schools finally खुल चुके हैं और यही time है जब आप दूसरों को दिखा सकते हो कि yes, you have improved a lot, you know your essentials, you know your style, और schools are the perfect place to start doing this. और schools पता नहीं कितने time से बंद थे, I guess it's been 2 years now. कि वो बंद ही रहे थे प्रॉपरली, स्कूल खुल नहीं रहे थे, बट नाउ स्कूल आर ओपनिंग स्लोली एंड स्लोली और आपको बैक टू स्कूल एसेंशियल्स की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे एसेंशियल्स जो आपके स्टाइल को नहीं, आपके स्कूल नीड्स को भी फुलफिल करेगा, और यही चीज़ें जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं. पहली बैक टू स्कूल एसेंशियल जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए इज अ वाटर बॉटल. आप बोलोगे यार ये चीज बताने के लिए वीडियो बनाई है. देखिए आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो वाटर बॉटल स्कूल नहीं लेके आ रहे होते. एंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके स्किन के लिए, आपके खुद की बॉडी फंक्शंस के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और करो ना करके अगर आप अपनी वाटर बॉटल लेके जाएंगे तो वो ज्यादा आपके लिए सेफर भी रहेगा. मेटल वन बिकॉज प्लास्टिक को भी अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को अवॉइड कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है अर्थ पे. तो आप दूसरी बॉटल्स की तरफ जाइए, आप उन्हें चूज़ कीजिए. एस्पेशली जब भी मैं घर पे होता हूँ मैं अपनी वाटर बॉटल अपने साथ ही रखता हूँ, बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन एंड फॉर योर बॉडीली फंक्शंस. अगली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक वर्सटाइल स्कूल बैग. एक ऐसा बैग जो आप स्कूल भी लेके जा सकते हो, आप अपने ट्रैवल के लिए भी लेके जा सकते हो, आप अपने कोई काम के लिए भी लेके जा सकते हो. ऐसा वर्सटाइल बैग आपके पास होना चाहिए. लेदर वंस आर वेरी गुड ऑप्शन इफ यू लुकिंग वन, बिकॉज लेदर वंस बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए चलते हैं अगर आप उसका अच्छे से ध्यान रखोगे. एंड लेदर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, लेदर बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है. और अगर आपके पास एक अच्छा वर्सटाइल बैग है तो आप अपनी उन चीज़ें भी अच्छी तरह से रख पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. और आप ऐसा बैग अपने ट्रैवल के लिए भी लेके जा सकते हो, या फिर अगर आप बाहर कहीं जा रहे होगे आप उसके लिए भी लेके जा सकते हो. एंड बैग्स कैन ऑल्सो बी अ टाइप ऑफ एसेसरी फॉर योर स्टाइल. तो आप इस चीज़ पे भी फोकस कीजिए. हम अगर इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा. मेन चीज़ों पर ध्यान देनी है ताकि हम दूसरों को ये भी दिखा सकें कि यस वी हैव इम्प्रूव, हमने चीज़ें सीखी हैं कि हमने कैसे बेटर होना, हम किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू डू इट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है योर शूज़. देखिए अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आपका कोई ऐसा स्कूल है जो आपको अलाउ करता कोई भी टाइप ऑफ शू पहनने का, तो वाइट स्नीकर्स आदर गो. आपको ये नहीं देखना पड़ेगा यार मेरी ये आउटफिट पे आप क्या इसके साथ क्या शूज़ पहनो. एज लॉन्ग एज यू हैव वाइट स्नीकर्स इट विल रॉक विद एवरीवन. बट इफ यू आर इन स्कूल, ड्रेस शूज आर योर वे टू गो. बिकॉज ड्रेस शूज आपके यूनिफॉर्म के साथ उसे बहुत अच्छा फॉर्मल लुक प्रोवाइड करेगी एंड इट विल मेक योर आउटफिट लुक कम्प्लीट. बिकॉज मैं भी एक ऐसे स्कूल में हूँ जहाँ पे एक यूनिफॉर्म है और ड्रेस शूज मेक्स इट लुक्स वे मच मोर बेटर. तो ड्रेस शूज ट्राई कीजिए, ब्लैक ड्रेस शूज ट्राई कीजिए अगर आपके पास यूनिफॉर्म स्पेसिफाइड है. और अगर आपके पास यूनिफॉर्म स्पेसिफाइड नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन ट्राई वाइट स्नीकर्स विद एनी आउटफिट ऑफ योर गर्ल. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है एक क्लासी वॉच. ज़्यादा फैंसी भी नहीं, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं, समथिंग इन बिटवीन. एक ऐसी वॉच जो आप पहन के जा सके, जो आपके यूनिफॉर्म के साथ भी अच्छी लगे, या फिर अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है तो उसके साथ भी अच्छी लगे. बिकॉज एक वॉच भी आपको एक एसेसरी की तरह स्टाइल कर सकता है, आपके आउटफिट को ज़्यादा डिटेल दे सकता है, और आप अपने टाइम का भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो कि यस इतने बजे मुझे इस क्लास में पहुंचना होगा. तो आप अपने वॉच से भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि यस इस टाइम मुझे उधर होना है, इस टाइम से मुझे उधर होना है. तो वॉच भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, नॉट ओनली फॉर योर एसएसबी बट फॉर आल्सो यू टू मैनेज योर टाइम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को अपने साथ लेके जानी है, वो है योर सोशल स्किल्स. देखिए साल हो चुके हैं स्कूल खुले हुए को और हमारी सोशल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी होगी. तो अगर आप बाहर जा रहे हैं ट्राई टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, आप नए फ्रेंड्स बनाइए, आप नए लोगों से मिलें,
कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ, प्रेजेंट योर सोशल स्किल्स. ज़्यादा शाय होने की ज़रूरत नहीं है. पहले भी हम लोग ऐसे एक दूसरे से मिल पाते थे, बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक जो चीज़ें हुई वो हुई. तो आपको अपनी सोशल स्किल्स का भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि यस दे आर ऑन पॉइंट. और अगर वो पॉइंट पे भी नहीं है तो क्या हो गया, आप रेगुलरली जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी सोशल स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होगी. तो वो इम्प्रूव होगी तो आप दूसरों से अच्छी तरह से मिल पाएंगे, अच्छी तरह से दूसरों को जान पाएंगे. तो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो. और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो मुझे अपने कमेंट्स में व्यूज ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी तैयार रख सकें बैक टू स्कूल के लिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम इस चैनल पे ग्रूमिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हाउ टू स्टाइल बेटर बारे बात करते हैं. तो इसी साथ मैं बताऊँ आपको अगली वीडियो में, तब तक लाइक कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ड्रेसिंग वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.